Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. So in today's video, I'm going to show you my shower routine. So this routine I follow almost every single day. It's very weird to share my shower routine with all of you guys, but most of you guys have requested, so here it is. As soon as I wake up, I immediately go to washroom. First thing which I do is to wash my face. I wash it only with plain water. मैं फेस वॉश बाद में यूज़ करता हूँ जब मैं शावर में होता हूँ. आफ्टर दैट आई अप्लाई हेयर ऑयल. सो हेयर ऑयल मैं एवरी ऑल्टरनेट डे लगाता हूँ क्योंकि मैं ऑल्टरनेट डे में ही अपने हेयर वॉश करता हूँ. सो हेयर वॉश करने से आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स पहले मैं अपने बालों पे तेल लगा लेता हूँ जिससे कि हेयर ऑयल स्कैल्प और रूट्स तक अच्छे से चला जाए. आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ. सो हेयर आई एम यूजिंग पतंजलि का दंत कांति टूथपेस्ट, इंडियन ब्रांड. आप में से कितने सारे लोग ये टूथपेस्ट यूज़ करते हैं कमेंट करके मुझे बताओ. पहले एक्चुअली मुझे इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता था, बट इवेंचुअली आई स्टार्टेड लाइकिंग इट. आफ्टर दैट आई चेक माय बियर्ड क्योंकि ऑफिस में यू कांट गो विद मेसी बियर्ड. तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि अपनी बियर्ड को ट्रिम और नीट एंड क्लीन रख सकूँ. आई एम यूजिंग दिस फिलिप्स ट्रिमर और इसे मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ. 3 नंबर में इसको सेट करता हूँ और अपनी दाढ़ी ट्रिम करता हूँ. उसके बाद ब्लेड हटा के मैं इसको शेप देता हूँ. आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू ट्रिम योर बियर्ड एट होम. सो इफ यू वॉन्ट यू कैन चेक इट आउट. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसके बाद मैं लेता हूँ शावर. सबसे पहले मैं अपने बाल वॉश करता हूँ. आई एम यूजिंग बायोटीक का बायो सोया प्रोटीन शैम्पू. ये रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है यूज़ करना और मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है. मेरे बालों पे ये सूट भी कर रहा है. शैम्पू से मैं अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज करता हूँ सर्कुलर मोशन में जिससे कि सारा का सारा तेल जो है वो निकल जाए और जितनी भी गंदगी है वो भी सारी साफ़ हो जाए. शैम्पू मैं 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाता हूँ अपने सर पे क्योंकि आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर लीजिए उसमें थोड़े से केमिकल होते ही हैं. आफ्टर दैट आई इमीडिएटली वॉश इट ऑफ. उसके बाद मैं अपना फेस वॉश करता हूँ. आई एम यूजिंग दिस कामा रोज जैस्मिन फेस क्लिंजर. ये मैं पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ. आई एम लविंग दिस वन. और कामा के जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स खरीदे थे उन सबका एक डिटेल्ड रिव्यू आने वाला है. सो मेक श्योर यू स्टिक टू दैट. सो हेयर इज अ स्मॉल टिप. जब कभी भी आप फेस वॉश करते हैं ट्राई टू वॉश योर नेक पार्ट ऑल्सो. बहुत बार हम लोग गर्दन को भूल जाते हैं जैसे कि फेस और गर्दन दोनों का स्किन कलर बहुत अलग हो जाता है. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल टिप बट वेरी यूजफुल. आफ्टर वॉश माई फेस आई यूज दिस डव बॉडी वॉश. ये भी मैंने कुछ ही दिनों पहले यूज़ करना शुरू किया है और मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है. ये स्किन को ड्राई नहीं बनाता है, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है. मैं स्पंज को थोड़ा सा पानी में गीला कर लेता हूँ जिससे झाग बहुत अच्छे निकलते हैं. उसके बाद मैं अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से स्क्रब करता हूँ. अंडर आर्म्स, नेक, डाउन देयर ऑल्सो. येस, यू नीड टू क्लीन योर प्राइवेट पार्ट्स ऑल्सो एवरी सिंगल डे बिकॉज एवरी डे वहाँ पर बहुत पसीना आता है. आफ्टर दैट मैं अच्छे से शावर लेता हूँ जिससे कि पूरा बॉडी वॉश साफ हो जाए. उसके बाद आई ड्राई माई बॉडी और जो भी मुझे कपड़े पहनने होते हैं मैं वो पहनता हूँ. लास्टली मैं सिर्फ एक चीज़ करता हूँ विच इज़ मॉइस्चराइज माई फेस. हेयर आई एम यूजिंग द मैन कंपनी का मॉइस्चराइजर. ये मुझे एक्चुअली प्रमोशन के लिए आया था बट आई स्टार्टेड लाइकिंग इट तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ. आफ्टर दैट आई मेक माई हेयर. मैं कुछ बहुत फैंसी हेयर स्टाइल नहीं बनाता हूँ क्योंकि ऑफिस में अच्छी नहीं लगती है. नॉर्मल कॉम्ब कर रहा हूँ एंड दैट्स इट. सो गाइज, ये था मेरा आज का शावर रूटीन. आई होप यू इन्जॉयड दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, डू सब्सक्राइब. यू कैन फॉलो मी इन माई इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.